हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली एक बहुत ही छोटा सा ज्वेलरी हॉल। बाकी सारे मेरे उस पे पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए मीशो के ज्वेलरी हॉल्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बता दूं, अगर ये वाला मेकअप लुक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। ये वाली आई थिंक शॉर्ट वीडियो में पड़ा हुआ है ये वाला मेकअप लुक, एंड ज्वेलरी के साथ साथ मेरा आउटफिट का भी मेकअप लुक आएगा, और आप वो भी देखना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कर दिया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब तो कर दीजिए। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्वेलरी हॉल। तो ज्वेलरी में बहुत हैवी ज्वेलरी मैंने नहीं ली है, जस्ट वेस्टर्न ज्वेलरी मैंने ली है। तो हैवी ज्वेलरी अगर आपको देखनी है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है मीशो हॉल के नाम से, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्वेलरी मैं दिखा दूं, वो है ये, इस टाइप की वेस्टर्न ज्वेलरी मिली है। तो इसमें मुझे दो का कॉम्बो मिला है। पहली ये पहनी हुई हूं मैं, जिसमें एक छोटू सा लॉक है, देन ये चेन है, एंड छोटा सा यहाँ पे हर्ट शेप की चेन है। तो थ्री लेयर्ड ये चेन का पेंडेंट मिला है, वेस्टर्न ज्वेलरी जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये है सिल्वर कलर की, एंड सेकंड जो है अभी इसी टाइप से है, और इसकी पिक्चर साइड में क्लिक आपको दिख जाएगी, इधर साइड पे या फिर इधर साइड पे, तो वहां से आप देख लीजिएगा। इस टाइप की लेयर ज्वेलरी अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं, और काफी अच्छी भी लगती है वेस्टर्न आउटफिट पे। सिंपल सा अगर आप कॉलेज जाते हो या फिर डेली वेयर पे, इस टाइप की ज्वेलरी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो ये काफी अभी फंस चुकी है तो इस वजह से, लेकिन सेम इसी की तरह है, ये सिल्वर कलर की है, ये गोल्ड कलर की है। तो ये वाली है, इसकी प्राइस यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो आपके मीशो पे है वो, और जितना मुझे परचेज मैंने इसको पे किया है उतना ही आपको मिल जाएगा। मीशो पे कोड मिलता है, तो कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी या फिर स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से मुझे ये दो ज्वेलरी मिली थी इस बॉक्स में। ज्वेलरी के साथ साथ बॉक्स भी भेजता है मीशो, ये आप लोगों को सबको पता है। सेकेंड है ये मिनिमल, ये वाली रिंग्स जो कि हैं, मैंने अभी किसी भी वीडियो में वियर नहीं की हैं। तो ये काफी आई थिंक 200 के अराउंडिंग्स मुझको ये रिंग्स पड़ी थी, कुछ इस टाइप की रिंग्स हैं ये। ये फोर का पैक मुझे मिला था, जिसमें है वाइट, गोल्डन, ब्लैक एंड रेड कलर की, और ये वाली जो है अराउंड मुझे 200 रुपीज की पड़ गई थी। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स का वर्क दे रखा है, और काफी अच्छी सी ये रिंग्स हैं, और काफी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाती हैं। किसी भी ज्वेल मेकअप की वीडियो में पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। तो सेकेंड ये था, उसके बाद है ये अगेन वेस्टर्न का। तो यहाँ पे मुझे पांच जो है चेन्स का सेट मिला था, जिसमें है दो पर्ल दे रखे हैं छोटी छोटी सी, यहाँ पे कुछ स्टोन का वर्क, छोटे छोटे स्टार्स हैं उस टाइप से। जो वीडियो होगी पहन के ट्राई ऑन हॉल का, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। थर्ड की ये रिंग चेन, एंड फोर्थ इस टाइप से, एंड फाइव ये। तो ये भी मुझे अराउंड 250 के अराउंड में ये पांचों मिली थी, एक कॉम्बो में आई थी, फाइव के कॉम्बो में। ये काफी इस छोटे से बॉक्स में आई थी, काफी अच्छी हैं, और आप जस्ट वीडियो बना रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो तो जस्ट मिनिमल सी ये आप डाल के जा सकते हो मार्केट वगैरह अगर आप जाते हो तो। नेक्स्ट थी ये वाली काफी ट्रेंडिंग में है, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी। ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी काफी सारी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, मीशो हॉल मेरे पास और भी है, तो मैं ये काफी टाइम से देख रही थी, और ये मुझे अराउंड 140 रुपीज पे पड़ी थी। और इसमें पूरे जो गणेश जी है, गणेशा एंड शिव जी का या त्रिशूल है और गणेश जी, ये देखने में जितने हैवी लगते हैं, पहनने के बाद ये बहुत ही ज्यादा
लाइट वेट है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की खास बात बताऊं, वो जितनी ज्यादा आपको देखने में लगेगी हैवी है लेकिन वो हैवी नहीं होती। सबसे ज्यादा लाइट वेट ज्वेलरी होती है वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है। कुंदन वर्क सबसे हैवी ज्वेलरी में जाता है, वो मेरे पास है, काफी है, और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी है, तो ये भी काफी अच्छी है। किसी ना किसी वीडियो में आपको मैं पहन के जरूर दिखाऊंगी, और जितने भी अभी तक मैंने हॉल शेयर की हैं वो सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में मैंने ज्वेलरी पहनी है। मीशो की ज्वेलरी A1 लगती है मुझे, काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। तो यहाँ पे ये इस टाइप से इयररिंग्स हैं, एंड ये चोकर सेट है, और जो कि पहनने के बाद काफी अच्छा लगता है। पहनने के बाद जब इसको भी मैं पैर डाल के दिखाऊंगी आपको ट्राई ऑन हॉल में, तो वीडियो अगर अभी तक पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे क्या है अगर आपने अब तक देख लिए तो आगे भी आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स वगैरह देखें। मेरे पास ज्यादा इस टाइम नहीं है, मैंने काफी सारे हॉल्स कर दिए हैं और अभी काफी सारी चीजें मैंने ऑर्डर की हैं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रही थी कि रक्षाबंधन पे आप लोग ये बाई करें, लेकिन ये वीडियो आई थिंक बहुत ज्यादा लेट हो गई क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट पूरे डिलीवर नहीं हुए थे। और बता दूं मीशो पे स्टार्ट होने वाली है सेल 13 और 14 अगस्त को सेल चलेगी, कैश बैक रिटर्न करके है कुछ सेल, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने लिए थे ये वाले बैंगल सेट, जिसको ये भी आई थिंक 250 के अराउंड मुझको पड़ गए, 280 के पड़े थे, जिसमें 8 बैंगल्स थी। इस टाइप के कुंदन वर्क दे रखा है, काफी अच्छी ये बैंगल्स हैं, और ये 8 का सेट है, प्लास्टिक इनकी क्वालिटी है और ये भी काफी अच्छी, पहनने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू शेयर करूंगी। उसके बाद एक कर्लर मंगाया था मैंने, आई लैश कर्लर, जो कि मेरे पास नहीं था और मैं लोकल मार्केट में भी मुझको इतने ही प्राइस में मिला जितना मुझे मीशो पे मिला। काफी अच्छा कर्लर है, आपकी आई लैशेस काफी अच्छे से कर्ल कर देता है, और काफी अफोर्डेबल प्राइस में मुझको ये मिल गया था। और कोई इसका ब्रांड आई थिंक नहीं दे रखा, लेकिन वहां उन्होंने ब्रांड मेंशन किया था, तो इस टाइप की पैकेजिंग में मुझको मिला था ये, और कार्डबोर्ड पैकेजिंग थी ये, तो अंदर की पैकेजिंग कार्डबोर्ड मैंने निकाल के फेंक दिया। एंड उसके बाद है ये इतनी सारी चूड़ीज जो कि मैंने मंगाई थी, और एक 30 का मेकअप लुक क्रिएट कर किया था मैंने इन्हीं चूड़ियों की हेल्प से, और ये चूड़ी जो है ग्लास की है और वेलवेट की ये चूड़ी है। यहाँ पे मुझे 12 का एक कलेक्शन मिला, लाइक यहाँ पे 12 ब्लैक है, 12 रेड है, 12 ग्रे है, 12 ग्रीन है, इसी टाइप से मुझे 3 पेयर मिले इस टाइप से, तो 4 तो ये रहे, 4 कलर ये रहे, 4 इसमें है एंड 4 इस वाले में है, तो 12 कलर मुझे मिले थे। ये शायद 258 या 280 के समथिंग मुझको मिले थे, तो लोकल मार्केट में इतनी सस्ती नहीं मिलने वाली। एक चूड़ी जो सिंपल वाली चूड़ी आती है वो शायद 40 रुपए का पूरी डिब्बी आती है, 40 या 50 रुपए की, तो ये और ये वेलवेट की है, तो ये काफी अफोर्डेबल पे मिल गई थी। और ये जो डिलीवरी हुई है वो फिरोजाबाद से हुई है, तो आप सब जानते हो फिरोजाबाद में कितना अच्छा काम है चूड़ियों का, तो चूड़ियां काफी अच्छी निकली हैं, वेलवेट की चूड़ियां काफी अच्छी हैं। तो ये रहा आज का मेरा मीशो हॉल, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपने और सारी वीडियो देखनी है ज्वेलरी के ऊपर तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी है, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है मीशो हॉल के नाम से, तो आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये वाला मेकअप लुक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, शॉर्ट्स में आई थिंक मैं डालूंगी इसको,